भाई ये तो पागल हो गया यार, क्रेजी फ्लो है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फिर आप लोग आज आ चुके हैं तामिनी घाट में। देख सकते हैं अभी तामिनी घाट के स्टार्टिंग पॉइंट में ही कर रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं तामिनी घाट के लिए यहाँ से रास्ता है और ये पुणे का रास्ता है। तो फिर अभी हम लोग जय मल्लर होटल है, इसके जस्ट सामने रुके। ये रास्ता है, ये पुणे के लिए और ये तामिनी घाट मुंबई साइड से। अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हो यहाँ से आओगे आप, और पुणे से आ रहे हो तो यहाँ से आओगे। और जय मल्लर होटल है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड से आपको देखो एक रास्ता जा रहा है, वहाँ से आपको सीधा अंदर जाना है। वहाँ से आपको एक 1.5 किलोमीटर के आगे से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। आपको दिखाता हूँ मैं आगे, सब डिटेल में बताने वाला हूँ। देख सकते हो आप, पूरा फॉग ही फॉग हो चुका है यहाँ पर और बारिश भी बहुत है। अगर आप आ रहे हो ना नेक्स्ट मंथ, आना ये मंथ मत आना, नेक्स्ट मंथ आओ, जब बारिश थोड़ा कम हो जाए तब आना। तो फिर अभी देखते हैं हमको व्यू वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। देवकुंड का व्यू पॉइंट है, आवड़ा घाटे वहाँ पर जाएंगे, देवकुंड का व्यू पॉइंट, रिंग वाटरफॉल सब दिखने वाला है वहाँ से। बहुत ही क्रेजी होने वाला ये व्लॉग, बने रहना व्लॉग में। व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद है लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे पीछे देख सकते हो जय मल्लर होटल है, इसके जस्ट सामने से देखो रास्ता गया अंदर, वो अंदर है। देखो यहाँ पर देखो बोर्ड, देखो वो अंदर पिंपरी करके ऐसा रास्ता गया यहाँ से। यहाँ से आपको अंदर जाना है, आगे एक बस स्टॉप आएगा, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न मारना है, पता तो मैं आगे। तो फिर चलो ये व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो कहते हम लोग वहाँ से 1 किलोमीटर आ गए, 1.5 किलोमीटर, और ये बस स्टॉप है। ये बस स्टॉप के देखो यहाँ से लेफ्ट साइड है, हम लोग लेफ्ट साइड से हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। अभी आएगा बताओ तो मैं अभी आपको। तो फिर चलो चलते, देखते अभी और यहाँ से कितना टाइम लगने वाला है। और लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर रहेगा, वहाँ से हमारा ट्रैक चालू हो जाएगा। तो फिर चलो चलते सीधा, देखो यहाँ से जाना है सीधा आगे। आज कोने ना गए का, आज पाउस ही ना जाते, काल बाप रे 100 आता सकाळपासून कोणच नाही आला का। आता इथून किती लांब आहे? 1 तास लागेल काय? तो गाइस हम लोग ने इधर गाड़ी लगा लिया है और यहाँ से अभी 1 घंटा का रास्ता है। और मौसम भी ऐसा हो रहा है कि क्या पता व्यू देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भी हम लोग ट्राई करेंगे, जाके आएंगे। देखो ऐसा ये घर है, गांव का घर है, उसके जैसे सामने हमने गाड़ कार पार्क की है। क्या बोलता का 100 रुपये का? आजी को पूछ के गाड़ी यहाँ पर लगा लेना। आप लोग 4 व्हीलर रहेगा तो 100 रुपीज़ देना, और 2 व्हीलर रहेगा तो 50 रुपीज़ में आप यहाँ पर गाड़ी लगा के जा सकते हो। तो फिर चलो यहाँ से अभी अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आगे जाके हमें व्यू देखने मिलता है नहीं मिलता है। बारिश तो इतना नहीं हो रहा है, बारिश कम हो रहा है, इधर हवा और फॉग ज़्यादा जमा हो गया है। तो भी बने रहना व्लॉग में, व्लॉग को थोड़ा पसंद है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस हम लोग ने गाड़ी देखो यहाँ पर पार्क किया, इसके जस्ट लेफ्ट साइड आपको अंदर आना है। यहाँ से लगभग 1 घंटे का आपका ट्रैक होगा, वो ट्रैक करना है। तो फिर अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना, प्रॉपर शूज़ और प्रॉपर ट्रैकिंग पैंट पहन कर आना। और आगे हमको एक घना जंगल ही मिलने वाला है, इसके लिए प्रॉपर ट्रैकिंग पैंट और प्रॉपर फुल हैंड का टी शर्ट जो भी रहेगा वो पहन कर ज़रूर आना। तो फिर यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं अभी। तो ज़्यादा करके हमको यहाँ पर फॉगी नज़र आ रहा है, देखते व्यू देखने को मिलता है या नहीं मिलता, तो भी जाएंगे इतना दूर आए तो। तो फिर चलो चलते जी। यहाँ पर है ना रास्ते में 3-4 रास्ता है, कंफ्यूज हो गए स्टार्टिंग में, हम लोग कंफ्यूज हो गए कहाँ से जाना है। आज ही आ गई है, उजवा मंजे आ रहा है। तो फिर हम लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गए, वहाँ पर हम लोग गाड़ी पार्क लगाए थे, वो आज ही आ गए हमको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाने। हाँ समझ पुढून असा गोल फिरून जायचं ना पुढे सरले हो। तो काय जैसे आप गाड़ी पार्क करोगे आगे आओगे, आगे से आपको पहला राइट लेना है, पहला राइट लेके सीधा जाना है। ये देखो आज ही आए हमको दिखाने के लिए, उनके लिए एक लाइक तो कर दो यार। तो फिर
चलो यहाँ से चलते हैं। देखो ये है ना काम रास्ते काम चालू है, तो इसके थ्रू आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ से रास्ता जा रहा है, वहाँ से एक ट्रेन आ रहा है, उसको फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर कुछ दिन पहले साइको प्रशील आए थे यहाँ पर, उनके लिए एक सलूट है। तो उन्होंने एक इधर अच्छा काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इधर सबसे रिबिल रिबिन है, ये उन्होंने बांधा है इधर, तो रास्ता भटकने दें। उनके लिए एक लाइक तो ज़रूर कर देना यहाँ पर, आगे ऐसे उन्होंने बहुत सारे लगाए, तो फिर उनके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और अच्छा लगता है अगर कोई ऐसा मतलब आए यहाँ पर रिबिन वगैरह लगा के गए वो लोग यहाँ से, तो फिर ये अच्छा लगता। तो फिर चलो देखते आगे बढ़ते, बहुत ही मज़ा आने वाला ब्लॉग में, चलो बने रहना। ब्लॉग को थोड़ा पसंद है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर चलो चलते। तो गाइस देखो रास्ता ऐसा भटकना नहीं, ऐसा आपको रिबिन लगा हुआ मिल जाएगा यहाँ पर। यूट्यूब पे साइको प्रशील नाम का बंदा है, मराठी में ब्लॉग बनाता है, बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग बनाता है। तो उन्होंने यहाँ पर आके लगा के चले गए थे वो, तो फिर उसके थ्रू वही रिबिन के थ्रू आप आगे बढ़ते जाना। तो फिर हाँ ये ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहेगा ऐसा, उसके अंदर से आपको जाना है। फिर चलो चलते, जहाँ से हमने कार पार्क किया था वहाँ से 10 मिनट ट्रैक करोगे आपको यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन का काम चालू मिल जाएगा, इसके अंदर से आपको जाना है। तो फिर लेट्स गो, देखते हैं आगे कितना मज़ा आने वाला है, क्या होने वाला है, सब बताने वाला हूँ मैं आपको, बने रहना व्लॉग में। व्लॉग को थोड़ा सा पसंद हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर इतना कुछ तो यहाँ पर व्यू दिख नहीं रहा है, देखते हैं आगे जाने के बाद कुछ देखने को मिले या ना मिले। तो भी ये देखो ऐसा उन्होंने यहाँ पर लाइन से हर एक पेड़ पे नहीं कह लो उन्होंने रिबिन बांध दिया है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर तो कुछ तो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से एक रास्ता आ रहा है, यहाँ से एक रास्ता आ रहा है, यहाँ पर आए उनको देखते पूछ के। ये देखो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर रिबिन बांधा है, तो ट्रेक के आगे जाना है। जाकर आए हो क्या आप, कुछ है क्या व्यू वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, अगर अभी कोई क्लियर व्यू दिख रहा है क्या, अभी नहीं आता जाता है क्या, ऐसा दिख रहा है क्या, ओके अच्छा था ओके। हमारे से पहले एक यहाँ पर ग्रुप आके गए, ये ग्रुप तो वो बोल रहे दिख रहा है, थोड़ा व्यू दिख रहा है, देखते हैं अभी आगे जाके हमें पता चलेगा क्या है कुछ नहीं, तो जिसके लिए वो तो कर लेते और क्या। और चलो चलते देखते आगे क्या होने वाला है, बहुत ही एडवेंचर वाला ब्लॉग होने वाला है। तो गाइस देखो ऐसा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसके राइट साइड से आपको सीधा आगे जाना है, आपको ट्रेन मिल जाएगा। और यहाँ पर भी रिबिन बांधा हुआ है, देखो यहाँ पर भी रिबिन बांधा हुआ है, उसके थ्रू आप आगे जा सकते हो। तो फिर चलो चलते, ये तो बस शुरुआत है। जैसे आप यहाँ से आओगे ये देखो यहाँ पर रिबिन है, लेफ्ट साइड में आपको जाना है। तो इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है ये ट्रैक, तो यहाँ पर रिबिन लगा हुआ है, तो उनके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर बहुत तगड़े रील आने वाले हैं, तो फिर फॉलो करके जरूर रखना। लेट्स गो। जैसे आप आगे आओगे ना आपको ये टकला झाड़ मिलेगा, ये देखो ये टकला झाड़ है, इसको कुछ नहीं करने का आपको, देखो राइट साइड में रिबिन बांधा हुआ है, वहाँ से आपको सीधा नीचे जाना है। और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला क्लाइमेट हुआ है, देखो यहाँ पर रिबिन बांधा है, और देखो वहाँ पर एक रिबिन बांधा है, उसके लिए सीधा आपको राइट साइड से जाना है। चलो चलते, किती टाइम आहे तीन किलोमीटर असेल का समान आठ तासामध्ये व्यू बघायला भेटतोय का, भेटतोय ना, ओके ओके। चलो चलते यहाँ से, देखते हैं क्लाइमेट भी बहुत ही खतरनाक हुआ है, व्यू देखने को मिलता है कि नहीं वो देखते, और चलते यहाँ से प्रॉपर शूज वगैरह पहन के आना। तो गाइस देखो यहाँ पर देखो स्लिपरी पेच है, डायरेक्ट नीचे उतरने का है, डायरेक्ट कितना डिग्री रहेगा भाई ये, कितना डिग्री रहेगा नीचे उतरने के लिए, 60 डिग्री 60 70। तो यहाँ से नीचे उतरना है, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज और प्रॉपर पैंट पहन के आना, यहाँ से नीचे उतरना है। तो फिर चलो चलते, पेच है ना सीधा नीचे उतर है, देख सकते हो सीधा नीचे उतरने वाला पेच है ये। और अगर आप आ रहे हो ना
अच्छे से आना, शूज पहन के आना। पूरा यू शेप में पूरा टर्न है इधर, आगे जाओगे तो गिर जाओगे। यहाँ से सीधे जाना है, ऐसा देखो पत्थर रखा हुआ है ना, उसके लिए लगा हुआ है ये लाइन से, तो यहाँ से सीधे जाना है। फिर चलो चलते हैं, और आगे है ना दो वाटर टैंक है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर वो आपको लगा रास्ते में तो समझ आने का कि आप बराबर रास्ते से जा रहे हो, तो लेट्स गो। ये देखो ये पूरा ना पूरा स्लिपरी है, पत्थर भी उधर देखो, उधर नहीं कहता छोटे छोटे पत्थर बोलते नहीं क्या छोटे छोटे, वो आपके शूज के नीचे आ सकता है, वो उससे आप फिसल सकते हो। तो फिर लेट्स गो। तो देखो ऐसा पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर, तो कुछ नहीं, नॉर्मल है, सब ट्रैक ही है, आ सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं। तो रुको पानी की टाँकी आपको दिखा दो, रुको। तो कहते देखो हम लोग वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद यहाँ से, और एक आपको वाटर टैंक लग जाएगा यहाँ पर, तो पानी दे सकते हो। ये कुछ साल पहले यहाँ पर पानी पीने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ये वाटर टैंक है। और यहाँ का व्यू भाई साहब, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, हर तरफ फॉग ही फॉग, चारों तरफ फॉग ही फॉग हो चुका है, और बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। अगर जाते हैं मेन पॉइंट में, लोग वहाँ से आ रहे थे, बोल रहे थे कि अगर आपको 10-15 मिनट वेट करना है, आपको 15-20 मिनट के लिए आपको व्यू मिल जाएगा। तो फिर कोई ना, चलते। और यहाँ पर देखो पूरा फॉग हो चुका है, और हवा और बारिश भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देखते अभी। चलो चलते, अभी नीचे जाके हमको मालूम पड़ने वाला है। आरो थोड़ा संभाल कर, थोड़ा स्लिपरी एरिया ये, और बहुत ही खतरनाक भी एरिया ये, अगर यहाँ से नीचे गिरा तो कुछ नहीं बोल सकते, नीचे का व्यू भी नहीं दिख रहा है कुछ। तो भी हम जितना कोशिश होगा हम उतना ही राइट साइड से चलने की कोशिश करेंगे, तो फिर चलो चलते। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही स्लिपरी एरिया स्टार्टिंग में है, मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। आगे जाते नीचे तो मुझे खाई लग रहा है, उसके कारण काम करते हैं, नीचे उतर के आ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखो नीचे खाई है, जैसा मैंने सोचा था वैसे हुआ। ये देखो नीचे खाई है, दूर दूर तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद नीचे जंगल है वो। और ये यहाँ का यहाँ से आ रहे, बहुत ही खतरनाक है यहाँ से, यहाँ पर आपको टेल्स लगेगा यहाँ से नीचे उतरना है। और जितना हो सके ना आप टेल्स ही नहीं, क्या राइट साइड में रहना, आपको दिखाता हूँ, राइट साइड में रहना। लेट्स गो, पहले यहाँ से तो नीचे उतरते। ओ भाई साहब देखो, जितना हो सके ना इसके राइट साइड में रहना, और नीचे देख सकते हो पूरा खाई है और जंगल है पूरा नीचे। लेट्स गो। पूरा नहीं क्या, ये पत्थर को खोद के बनाया, ये पूरा पत्थर को खोद के बनाया हुआ है, देखो मजा आ रहा है। जितना हो सके ना राइट साइड में रहना, क्योंकि हवा का बहाव भी बहुत तेज है, देखो देख सकते हो। जितना हो सके राइट में रहना, तो फिर चलो चलते, लग रहा है ऐसे। तो देखो ना हो सके ना संभल कर उतरना नीचे। अरे देखो ये टेयर से बना हुआ है, कई सालों पहले का ये लोगों ने बनाया, सालों पहले। तो लेट्स गो। तो गाइस देखो ये टेयर से, यहाँ से वहां से हम लोग जैसे नीचे उतरे, यहाँ पर एक पानी का टाकी है, तो इसको कई सालों पहले इसको पीने के लिए भी यूज किया जाता था। यहाँ पर भी टाकी है, और ऊपर भी देख रहेंगे आप, वहाँ पर भी दो टाकी था थोड़े थोड़े, और यहाँ ये वाला बड़ा वाला टाकी है। अभी हमको यहाँ से सीधा नीचे उतरना है। तो गाइस ये जो स्टेयर्स है ना, ये पूरा पत्थर खोद के बनाया हुआ है यहाँ पर, तो फिर कई सालों पहले यहाँ पर मतलब लोग आते भी होंगे, देख सकते हो पानी की टाकी भी देखी हमने। ये ना यहाँ पर पूरा मतलब पहाड़ है ना, उसको खोद के एक स्टेयर्स बनाए यहाँ पर। तो चलो गाइस ये थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो स्लिपरी पैच है, मयूर गया, अभी हम लोग जाते हैं, लेट्स गो।
हम लोगों ने क्रॉस किया, यहाँ पर स्टेयर्स था, बहुत ही स्लिपरी है, प्रॉपर शूज अगर पहन के आना। जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हो यहाँ से जंगल वाला एरिया यहाँ से चालू हो जाता है, तो फिर चलो चलते। ये जंगल बहुत ही घना है यहाँ पर, और हम लोग उसके बीचों से आ रहे हैं, और यहाँ पर पेड़ पौधों को बिल्कुल हाथ मत लगाना, स्नेक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है हर एक पेड़ पे, तो मैं कहता हूँ पेड़ों को बिल्कुल हाथ मत लगाना, तो वही आपके लिए बेहतर होगा। तो फिर चलो अब यहाँ से चलते ऊपर, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। जंगल और प्यास था वो कवर करके हम लोग ऊपर आ गए। मतलब यहाँ पर ऐसे देखो छोटे बाम्बू टाइप आपको ऐसा झाड़ दिख जाएगा, यहाँ तक पहुँच गए। समझ आने का आप सही रास्ते पर जा रहे हो, और यहाँ पर आने से पहले हमको लगा सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं, फिर आधे रास्ते तक जैसे आए तो बहुत लोग ऐसे मिले, तो फिर चलो चलते। और थोड़ा बारिश भी कम हो चुकी है यहाँ पर। कुछ ऐसा पेज दिखा यहाँ पर, तो फिर चलो इसको क्रॉस करता हूँ। अभी लगभग 10 से 15 मिनट का ट्रैक बाकी है, वो कंप्लीट करते बाद हमारा जो देवकुंड का व्यू पॉइंट है जहाँ से प्लस वैली और रिंग वाटरफॉल दिखता है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। लेट्स गो। तो क्या देखो, ये छोटा ट्रैक था जंगल वाला, वो उसको कवर किया, और यहाँ से सीधा देखो, यहाँ से सीधा वहाँ पर जाने का है, और जो पॉइंट था मुझे पहले दिख रहा था वहाँ पर, फॉग आने के कारण पूरा वो ढक चुका है। तो फिर चलो, यहाँ पर है ना बहुत ही स्लिपरी है, यहाँ पर पैर वगैरह स्लिप होने का बहुत चांस है, अच्छा ग्रिप वाला शूज़ हो वही पहन के आना। देखो ऐसा है ना, ये यहाँ से स्लिप होने का बहुत चांस है, तो फिर अच्छा शूज़ ज़रूर कैरी करना, मतलब पहन कर आना अच्छा शूज़। लेट्स गो, अभी तो फिलहाल चलते हैं वहाँ पर। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर बहुत ही तगड़े रील्स आने वाले, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और स्क्रीन पे भी फ्लैश होता रहेगा, आप जाकर फॉलो कर सकते हो, और बहुत ही तगड़े रील्स आने वाले, देखो और लाइक भी जरूर करना। और यहाँ से कुछ देखो ऐसा ट्रेल से यहाँ से चालू हो चुका है, ये लागले का ये पूरा स्लिपरी एरिया है, यहाँ पर जो झाड़ ऐसा टूटा हुआ गिरा हुआ है ना वो जानबूझकर नहीं गिरा है, आपने मेरा क्लिप देखे रहेंगे, वो पकड़ने के कारण पूरा वो जड़ से टूटा है। लेट्स गो, आते तो संभल कर आना। पेड़ मतलब लोग आते हैं और गिरते ही है डेफिनेटली, ये भी गिर गया था अभी, क्लिप में देखा रहेगा आपने। भाई कैसा फील हो रहा है गिर के? ये वाला पेज थोड़ा सा रिस्की था, मतलब मस्करी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आरो सिंपली आओ और सिंपली चले जाओ। हाँ तो बस प्रॉपर ट्रैकिंग शूज पहन के आओ, और आ रहे हो तो थोड़ा सा संभल कर आना, ये वाला पेज थोड़ा सा डेंजरस था, मतलब गाइस यहाँ पर स्लिप हो ही सकता है, इसके लिए अच्छे ग्रिप वाले शूज पहन कर आना। लगभग हम लोग पहुँच ही गए यहाँ पर, व्यू पॉइंट तो दिख ही रहा है यहाँ से, और देखो ये वाला जंगल वाला पेज था पूरा, वाओ बहुत ही खतरनाक वाला, हम लोगों ने वो क्रॉस किया वहाँ से ऐसा उतर के, अभी जा रहे इधर हम लोग, तो फिर चलो देखते, और
कुछ ऐसा लगा नहीं हमको, डेंजरस ट्रैक वगैरह इतना कुछ लगा नहीं। तो फिर कोई ना, आप आ सकते हो यहाँ पर सिंपली, सिर्फ बस आप ट्रैकिंग शूज और ट्रैकिंग पैंट और फुल हैंड वाले टी शर्ट या कुछ भी शर्ट पहन रहे हो, फुल हैंड वाले ही पहनना। और यहाँ से ऐसा रास्ता, और देखो यहाँ पर नीचे खाई, यहाँ पर नीचे खाई, दोनों तरफ खाई खाई है, और बीच में ऐसा रास्ता है। यहाँ पर ऐसे लिबिन है, ये आखिरी वाला लिबिन है। और आ रहे हो ना, झाड़ को बिल्कुल हाथ मत लगाना, ऐसे वो कीड़ा है यहाँ पर, ऐसा छोटे छोटे कीड़ा है। तो गाइस फाइनली हम लोग एक घंटे का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँच गए हमारे व्यू पॉइंट पे। और यहाँ पर देखो कुछ लोग आए, तीन ही लोग हैं यहाँ पर, और हम लोग आए पाँच लोग। देखते वन घंटे का था, मज़ा आ गया था। अभी देखते यहाँ से फॉग हटने का वेट करते और आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। बने रहना व्लॉग में, व्लॉग को थोड़ा पसंद हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अभी यहाँ पर देखते फॉग हटता है क्या। यहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर मुझे एक वाटरफॉल दिखा था, पूरा कुछ नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब, ए इतो भाई इतो, ए या इतला वक। तो कह देखो यहाँ पर फॉग हट चुका है और यहाँ पर पूरा व्यू दिख रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो भाई शपथ, वाह भाई साहब, वो कह देखो जन्नत देख रहे, जन्नत जन्नत दिखाओ को जन्नत, ये देखो चुके सावरा व्यू पॉइंट के लिए। मेरे पीछे देख सकते हो वहाँ पर देवकुंड है, देवकुंड के जस्ट ऊपर ही प्लस वैली है। और यहाँ पर देख सकते हो ये है अपना रिंग वाटरफॉल। तो फिर यहाँ से पूरा देवकुंड और पूरा ऐसा व्यू आ रहा है ना, बहुत ही खतरनाक व्यू आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। खूबसूरत के साथ साथ ये बहुत खतरनाक भी है। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर साइड में कुछ भी नहीं है, यहाँ से थोड़ा ही पैर फिसला सीधा आप नीचे जा सकते हो, डायरेक्ट मौत। सो गाइस देखो भाई फॉग क्लियर हो रहा है, भाई साहब क्या नजारे, भाई क्रेजी। भाई जैसा सोचा था उससे कई ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है, और जितना खूबसूरत है उतना डेंजरस भी है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप लोग आगे जाओगे तो पूरा डीप वैली है भाई, तो संभल के ज्यादा आगे मत जाना। मैं भी पीछे ही खड़ा हूँ, देखो इतना पीछे खड़ा हूँ भाई, ये तो पागल हो गया यार, क्रेजी फ्लो है। ये देखो एक वाटरफॉल, ये शायद रिंग वाटरफॉल है, थोड़ा सा क्लियर होने दो, वो देवकुंड वाटरफॉल भाई, जन्नत जन्नत। ये देखो वापिस से यहाँ पे फॉग बन रहा है। देख सकते हो वहाँ पर भीरा विलेज है, और ये देख, ये आपको दिख रहा है ना, ये लेक टाइप, लेक तो नहीं है, ये डैम है भीरा डैम। और यहाँ से नहीं क्या, देवकुंड का ट्रैक यहाँ से चालू होता है, और आप देख रहे हो सामने वो है देवकुंड वाटरफॉल, और जस्ट उसके पीछे आपको प्लस वैली भी लग जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो ये है रिंग वाटरफॉल, रिंग वाटरफॉल सबसे बड़ा दिख रहा है और सबसे बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से व्यू, और वहाँ पर देवकुंड। फिर ये कुछ था यहाँ का व्यू। अगर आपको ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग थोड़ा पसंद हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। रील्स और फोटो बहुत सारे कुछ हम लोगों ने शूट किया यहाँ पर, देखना रहेगा तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और स्क्रीन पे भी फ्लैश होता रहेगा, आप जाके फॉलो कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो देख के। तो ब्लॉग को रख दे इधर तक ही, ब्लॉग थोड़े पसंद तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।